गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्योति विश्वकर्मा एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने मनोवृत्ति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कक्षा 4 की हिंदी पढ़ाऊंगी। आप लोग अब तक व्याकरण पढ़ रहे थे, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में आप मेधा की बुक निकालेंगे और आप पार्ट 2 खोलेंगे। पार्ट 2 का नाम क्या है? बुद्धिमान कौम, बुद्धिमान कौम। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपको बुद्धिमत्ता के बारे में बताया गया है कि अगर आप बहुत पढ़ लेते हैं, खूब सारी पढ़ाई आप कर लेते हैं, आपको बहुत सारा ज्ञान अर्जित हो जाता है, आप बहुत ज्ञानवान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आप सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो आपकी पढ़ाई निरर्थक है। आपकी पढ़ाई क्या है? बिना अर्थ की है। तो उसी के बारे में आज इस चैप्टर में बुद्धिमान कौम बताया गया है कि कुछ लोग पढ़े रहते हैं, कुछ लोग बिना पढ़े लिखे रहते हैं। देखिए, जो बुद्धि होती है, जो ज्ञान होता है, वो प्रकृति प्रदत्त होता है, प्रकृति उसको प्रदान करती है। हमें और आपको ये जन्मजात मिला रहता है, जो हमारी बुद्धि होती है। कुछ लोग होते हैं आप थोड़ा सा समझाएंगे तुरंत समझ लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं आप बहुत ज़्यादा समझा देंगे उसको, फिर भी उनके दिमाग में कुछ उनके समझ में नहीं आता है। तो केवल किताबी ज्ञान होने से आपको ज्ञान नहीं होगा, दुनियादारी से भी आप ज्ञान को अर्जित करते हैं और सीखते हैं। तो उसी के बारे में आज के इस पाठ में बुद्धिमान कौन बताया गया है। आपको इससे सीख भी मिलेगी, आपको समझ में भी आएगा कि किस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको किन किन नजरियों से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कहानी पढ़ेंगे। आप बुक खोल लीजिए, उनको लेना तो जल्दी जाइए और बुक लेके आइए, खोल के बैठ जाइए। चलिए देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 मित्र बुढ़ीराम, मणिराम और ज्ञानदेव थे। ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। देखिए, 4 दोस्त रहते थे। एक का नाम था बुढ़ीराम, दूसरा का नाम था मणिराम, तीसरा का नाम था ज्ञानदेव। ये तीनों क्या थे? बहुत पढ़े लिखे थे। अभी एक मित्र बचता है, इन पर उन्हें बड़ा अभिमान था। जो बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े ही ज्ञानवान थे, उनको बड़ा ही घमंड था, बड़ा ही अहंकार था कि मैं तो बहुत तेज हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। अभिमान मीन्स बहुत ही घमंड था। परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। जो इंसान सोच सकता है, जैसे आपको पता है कि सामने एक गड्ढा है, अब ये आपका कुआं है, आपको पता है एक गड्ढा है और आप यहाँ सीधे जा रहे हो, आपको पता है जैसे मैं दूसरा कदम रखूंगा मैं नीचे गड्ढे में गिर जाऊंगा, फिर भी आप उससे चले जाएंगे, तो आपके पास बुद्धि नहीं है। केवल आपने पढ़ा है कि गड्ढा है, गड्ढे में लोग गिरते हैं तो उनको चोट आती है। लेकिन अगर जो सामान्य बुद्धि आपके पास है, तो आप कहेंगे सामने से गड्ढा है, मैं बगल से चलता हूँ, थोड़ा इधर हो जाता हूँ। आप इस प्रकार से सोचेंगे, आपको पता है कि मैं आग में उंगली डालूंगा तो मैं जल जाऊंगा, आप नहीं डालेंगे। सामान्य सी बुद्धि है, और जिसके पास बुद्धि नहीं, वो क्या करेगा? बार बार मना करेंगे तो भी आग में उंगली डालेगा। तो उन तीनों के पास पढ़ाई का जो ज्ञान है वो तो बहुत था, लेकिन उनको सामान्य ज्ञान जो होता है, जो जन्मजात मिलता है, जो प्रकृति प्रदत्त होता है, वो नहीं था। उनको बहुत घमंड था इस पर। चौथा मित्र बोधिराम, देखिए 3 मित्र थे, पहले के नाम बुढ़ीराम, दूसरे का नाम मणिराम, तीसरे का ज्ञानदेव, और चौथे मित्र का नाम क्या था? बोधिराम। बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था। देखिए, बुद्धि का और पढ़ाई का कोई मेल नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं बिना पढ़े ही सुन करके बातों को समझते हैं, और समझ करके आपके सामने कुछ बिना पढ़े लिखे इंग्लिश बोलते हैं सुनकर। इसका मतलब क्या निकलेगा? उनको समझ में आता है, पढ़े लिखे नहीं है। आप अपने पहले ज़माने के लोगों को देखेंगे, बहुत जो आपके पूर्वज होंगे, आपके घर में आपके दादाजी होंगे, आपसे ज़्यादा उनको ज्ञान होगा। आप किताबी ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन दुनियादारी का जो ज्ञान है वो उन्हीं से आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपके बुक में मिलेंगे, क्या उन्होंने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, लेकिन वो बोलेंगे। तो वैसे ही जो बोधिराम था बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसके पास क्या थी? वो बुद्धि थी, बुद्धिमान थी। वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। चारों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। देखिए, एक बार वो लोग शहर जा रहे थे घूमने के लिए, तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। इनको चारों मित्रों को क्या होता है? उनके मुँह अंग बिखरे पड़े थे। शेर जो है वो मरा था, उसका हाथ यहाँ पड़ा था, उसका पैर यहाँ पड़ा था, उसके जितने भी अंग प्रत्यंग थे सारे क्या है? बिखरे थे, सब इधर उधर पड़े हुए थे। मरे शेर को देखकर 4 में से 3 मित्रों ने राय बनाई। देखिए, जो तीनों बुद्धिहीन थे, जो पढ़े लिखे थे लेकिन ना समझते, उनको सामान्य ज्ञान नहीं था, वो क्या करते हैं? एक योजना बनाते हैं। इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे पुनर्जीवित कर दें।
है। पहले क्या हुआ करता था, पहले आप देखते होंगे महाभारत, आप रामायण देखते होंगे, उसमें क्या करते थे, सब जो विद्या पढ़ते थे उसको इस्तेमाल करते थे। कोई आग चलाता है, कोई तलवार चलाता है, विद्या ऐसे पढ़ता है तुरंत हाथ में अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं। तो ऐसी विद्या सीखते थे पहले लोग, ये खाली लिखित विद्या नहीं सीखते थे। तो वो विद्या वो लोग सीखते थे, उन्हीं में से ये चारों मित्र थे। तो तीनों ने ऐसी विद्या सीखी थी कि मरे हुए इंसान को, मरे हुए किसी भी प्राणी को वो जीवित कर सकते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इस शेर पड़ा हुआ है इसको हम पुनर्जीवित करते हैं। गुणी राम ने अस्थियों को सही क्रम में किया। उसके पास ये विद्या थी कि जितनी भी अस्थियाँ थी, जितने भी उसके शरीर के अंग थे, सबको क्या किया, इकट्ठा किया। मुनिराम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसके ऊपर मांसपेशियां जमा दी, क्योंकि मांसपेशियां सारी अलग हो गई थी। हड्डियों को पहले ने इकट्ठा किया, दूसरे ने क्या किया, विद्या से उसकी मांसपेशियां जमा दी तथा चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। उसको चमड़ी प्रदान करके शेर का रूप दे दिया। ज्ञानदेव उसने प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। ज्ञानदेव के पास ये था कि वो किसी को जीवित कर सकता है, वो उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। तब तक बोधिराम ने कहा, ठहरो, ऐसा मत करो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो, पर कुछ तो विचार करो कि इसका परिणाम क्या होगा, वह शेर जीवित होते ही हम सबको मारकर खा जाएगा। देखिए बोधिराम को बहुत ही ज्ञान था, उसको पता था कि अपनी विद्या व्यर्थ में उपयोग करके बना है। जैसे कि आप सबको पता है ना कि शेर क्या करता है, इंसान को खाता है, मांस का भूखा होता है, आप उसको कितना भी इसकी सेवा कर लीजिए लेकिन वो आपको खा ही जाएगा। तो ये तीनों मूर्ख थे, इनको पता था कि हम इसको जिलाएंगे तो हमें मार के खाएगा ना, लेकिन फिर भी तीनों इसको जैसे ही जिंदा करने के लिए प्राण फूकने वाला था ज्ञानदेव, वैसे ही बोधिराम ने मना कर दिया। उसने कहा, रुको, तुमको पता है इस पर अपनी विद्या का उपयोग कर रहे हो, जैसे ही जीवित होगा ये क्या करेगा, हम सबको मार के खा जाएगा। विद्या के अभिमानी, विद्या के क्या अहंकार में उन लोग, युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। देखिए बहुत लोग होते हैं जो दिखाना चाहते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, वो उस दिखावे के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि यहाँ किसी को तकलीफ हो रही है या फिर इसमें हमारी हानि निश्चित है। उन्होंने बोधिराम की बात नहीं मानी। तब बोधिराम ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ, जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊँ तब तुम इस शेर को जीवित करना। इतना कहकर वो पास के एक वृक्ष पर चढ़ गया। वो बहुत बुद्धिमान था, उसको पता था कि अगर मैं नीचे रहूँगा तो मुझे तो खा ही जाएंगे, ये शेर खा जाएगा, अगर इनको जिंदा करना है तो ये भी मरे, मैं भी मरूँ। वो जो चौथा मित्र रहता है बोधिराम कहता है, ठहरो, मैं पहले पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, पेड़ पे तो शेर चढ़ नहीं सकता, उसके बाद ही तुम इसको जीवित करना। वो लोग कहते हैं ठीक है। अब ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। जैसे ही उसके शेर के अंदर प्राण गए, जीवित होते ही शेर ने अपने सामने तीन युवकों को खड़े देखा, भाई इतने दिन से मरा पड़ा है, शेर का आहार ही होता है मांस। अब तीन लोगों को उसको देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई, उसने झपट कर तीनों युवकों को मार डाला। इस प्रकार प्रेम करकर वह अपने रास्ते चला गया। देखिए शेर का स्वभाव ही होता है किसी प्राणी को मार करके उसको अपना आहार बनाना। तो इनको स्वाभाविक बुद्धि होती है, अगर इनको ज्ञान होता तो ये उसको जीवित नहीं करते, लेकिन फिर भी जीवित करते हैं। और जो बोधिराम रहता है वो बहुत ही बुद्धिमान रहता है, पढ़ा लिखा तो नहीं रहता है, वो पेड़ पर चढ़ जाता है, अपने प्राण को बचा लेता है। तो शेर के जाने के बाद बोधिराम पेड़ से उतरा, अपने तीन मित्रों की अस्थियाँ देखकर वह बुदबुदाया, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफ़ी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। आप पढ़िए या मत पढ़िए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे भविष्य में मैं ऐसा क्या करूँगा जो मेरे लिए अच्छा होगा, और मैं ऐसा क्या नहीं करूँगा जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आप किसी रास्ते से आ रहे हो, जैसे गाड़ी आ रही है, आपको पता है कि मैं रोड क्रॉस करूँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको तब तक नहीं क्रॉस करना चाहिए, उस सड़क को तब तक पार नहीं करना चाहिए जब तक कि वो गाड़ी ना चली जाए, रोड खाली ना हो जाए। अगर आपके पास बुद्धि विवेक नहीं है तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल देंगे। तो इतनी समझ तो आपके पास होनी चाहिए, आप स्कूल आकर के नहीं सीख सकते, ये आपको स्वाभाविक रूप से आपका नेचर है इसको सीखना। उसके बाद क्या होता है, विद्या में शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति हमारे विनाश कर देती है। देखिए हमारे पास जो विद्या है इसको हमें उचित प्रयोग कहाँ करना है, किसी को कुछ नहीं आता है और उसके बारे में आप, किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और उसके सामने आप इंग्लिश की बुक खोल करके धड़ाधड़ पढ़ना शुरू कर देते, तो उसको क्या पता कि आप सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। वहाँ पे आपने अपने ज्ञान का लिखवा करना शुरू कर दिया तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आपको आता है तो भी वो नहीं समझ पाएगा, आपको नहीं आता है तो भी नहीं समझेगा। अब जिस अगर आपको अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए जो आपकी गलतियों को गिना सके,
जो आपकी गलतियों को बता सकते हैं। अगर आपकी गलती आप नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपको जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो आपका ये पाठ जो है वो समाप्त होता है। अगला पाठ आपका क्या है देख लीजिए बुक में। अगला जो चैप्टर है टिटहरी और समुद्र, ये अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। और आपकी बुक में जो आपका अभ्यास कार्य है, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है बुक में वो करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है बुक में फिलअप करके बुक में सेंड करूंगी, आप उसको बुक में फिल कर लीजिएगा, तब जाकर के आप पेपर कॉपी पे करिएगा। ठीक, और ये भी ध्यान दीजिए कि जिसके पास बुक नहीं है वो बुक जरूर खरीद लें, 15 अक्टूबर तक आपकी बुक वापस हो जाएगी। तब तक अगर आप विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो किसी को भेज करके बुक मंगवा लीजिए और बुक खोल करके पढ़ाई करिए। कुछ दिन बाद हो सकता है, एक आध महीने के बाद आपका विद्यालय खुल जाए, वो क्या सकता है, क्योंकि आपको पता है बड़े बच्चों का जो विद्यालय है वो खुल चुका है, सीखने के लिए समझने के लिए वो आते हैं, तो आपका भी हो सकता है कुछ दिनों बाद खुले, तो इसके लिए आपके पास बुक का होना जरूरी है। और ये पढ़ाई अच्छे से लगातार करते रहिए, पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगली वीडियो में मैं अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।